ദ്രോഹിക്കപ്പെടും. ബിസ്മില്ലാഹ് സയ്യിദുന മൗലാന മുഹമ്മദ് ഗഫൂർ റഹീം എന്നുകൊണ്ടാണ് നഹ്മദുഹു വ നസല്ലി അലാ റസൂലിൽ കരീം أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معراج کی شب کہتا تھا خدا تو اور نہیں میں اور نہیں معراج کی شب کہتا تھا خدا تو اور نہیں میں اور نہیں محبوب میرے اب سامنے آ تو اور نہیں میں اور نہیں محبوب میرے اب سامنے آ تو اور نہیں میں اور نہیں جس نور سے تجھ کو بنایا ہے وہ نور حقیقی میرا ہے جس نور سے تجھ کو بنایا ہے وہ نور حقیقی میرا ہے پردہ بظاہر صورت کا تو اور نہیں میں اور نہیں پردہ بظاہر صورت کا تو اور نہیں میں اور نہیں معراج کی شب کہتا تھا خدا تو اور نہیں میں اور نہیں جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا جو تجھ سے جدا وہ مجھ سے جدا جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا جو تجھ سے جدا وہ مجھ سے جدا جو تجھ سے خفا میں اس سے خفا تو اور نہیں میں اور نہیں محبوب میرے اب سامنے آ تو اور نہیں میں اور نہیں نہ ویکھ پرائیاں چوپڑیاں تے نہ ترسا جی ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਗਿਓ ਅੱਧਾ ਸੰਬੰਧਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਓਏ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਆਏ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੇਕੀ ਕਮਾਏ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਉਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਤ ਬਣਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਉਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਖਾਓ ਜਿਤਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ
उतना पढ़ो जिस पर अमल हो जावे, उतना सुनाओ जितना कोई शौक से सुने। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे बूढ़े होके मरना, ज़रूरी नहीं कि हर बंदे बीमार होके मरना। एक वक्त मुकर्रर है, जदों टाइम आ जाना है तो बंदे ने जाना पड़ना। वो वक्त कितना है के आते हुए अज़ान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए भी और चले गए। जदों अज़ान भी हो जावे, तकबीर भी हो जावे, उदों पिछे जमात च कितना टाइम होंदा है। ज़्यादा तो ज़्यादा मौलवी 17 सदियां करा सकदा है। किसी मौलवी ने 10 मिनट रखे ने, किसी ने 15, किसी ने 20 मिनट, अखीर जमात हो जाती। हर मुसलमान मर्द के कान में अजान हो चुकी हुई, तकबीर हो चुकी हुई, हुण जमात होनी। मेरे आका जिस वक्त मिराज ते तशरीफ ले गए ते अरशे अजीम ते जावन लग्या ते जोड़ा उतारन लग पे, अल्लाह दी जात ने फरमाया, ऐ मेरा महबूब जोड़े सने ही आ जा, मेरा अरश भी तेरे जोड़े दियां तलियां नूं सहकदा। हजूर ने अर्ज कीती, या अल्लाह पहाड़ ते मूसा अलैहि सलाम जावन लगे सने जोड़े दे, थोड़ी तरफों आवाज़ आ गई, जूता उतार के आओ, ये तारिश है। उन्होंने तो फरमाया कि पहाड़ ते भी मेरे ना गल्लां करनी है तो जूता उतार के आओ। अल्लाह ताला फरमाया, वो कलीम था और तुम हबीब हो। मूसा अलैहि सलाम दी मुलाकात हुई मेरे आका नाल। मूसा अलैहि सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह तुसां ये फरमाया कि मेरी उम्मत दे वली ऐसे होणगे जेड़े बने इसराइल दे नबियां जैसा काम करणगे। आपने फरमाया, हाँ होणगे। मूसा अलैहि सलाम ने आखा, उन्हां वलियां विचों किस एक वली दी मैनू ज़ियारत कराओ। आपने फिर इमाम गिजाली नूं बुलाया। हजूर ने फरमाया, एक उन्हां वलियां विचों वली। मूसा अलैहि सलाम ने सवाल किया, तेरा नाँ की है? इमाम गजाली ने फरमाया, मेरा नाँ अहमद है, मेरे बाप का नाँ अब्दुल्ला है, मेरी माँ का नाँ आमना है। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, यार सवाल मैं तेनों एक किया है, तू गर्दान शुरू कर दी है, इस तरह तुम सारी तरह काम करोगे? इमाम गजाली ने गुजारिश की, या अल्लाह दे नबी थानू भी अल्लाह एक सवाल किया कि तेरे हाथ च की है, तो तुसी भी तो शुरू हो गया हो। जवाब तो दे, मेरे हाथ में आसा है, लेकिन तुसी आखा मेरे हाथ में आसा है, इन्हें मैं भी काम करना, यह भी काम करना, यह भी काम करना। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह नाल हम कलाम हाँ, मैनू मज़ा पे आउंदा, मैं चाहता कि होर गल लंबी हुंदी जावे ते मैनू बड़ा मज़ा आ रहा। इमाम गजाली ने गुजारिश की, ऐ अल्लाह दे कलीम, एक पास खुदा दा कलीम खड़ा होवे, एक पास खुदा दा हबीब खड़ा होवे, क्या मैनू लज़त नहीं आ रही? मैं भी चाहना कि काम लम्मा हुंदा जावे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने तस्दीक कर दी, या रसूल अल्लाह तेरी उम्मत दे वली बने इसराइल दे नबियां जैसा काम कर लवण। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह ताला नूं मिलण दे बेशुमार तरीके ने,
जितने जिसम के उत्ते वाल ने ना एदू भी ज्यादा, लेकिन सब तो आसान तरीका कड़ा है कि मुर्शद कामल के हाथों में जा दे, वो जल्दी मिला देगा तेन। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम करबला के मैदान में फरमाया है मेरे नाने की उम्मत मत यह समझो कि तकलीफा गुनाहगारा होंदिया नेकां नहीं हो सकदियां, मैंने तो गुनाह का पता भी कोई नहीं, मैं तो आखी नाने की जोड़ी जी खोली है तो मैनू इतनी तकलीफा आ गई। बई जे सोने का जेवर बनाना होवे तो उन्हें अग भी सटना पौंदा है। नेक बंदे नू तकलीफा दे के खुदा दर्जात बुलंद करदा है। असी आने इनका जो पीर कामल आंदियां ना गल, इस मुसीबत उस क्यों नहीं बचा ले। तो मैं पूछना जिस हज़रत बिलाल काफरां दे आए सत अपने नबी ने सत अपने खुदा ने जे वो तेनों साढ़े को बचावे, ये वो लोग होंगे ने जेडे कैंचियां ने जिन्हां दे सीने विच औलिया कराम दा हसद हुंदा है। उत्थे बैठ करो जिस तो दूर गश्ती अज हजूरे औलिया, दर हकीकत दूर गश्ती अज खुदा, जेड़ा खुदा दे वलियां कोल दूर हुंदा है वो हकीकत विच खुदा कोल दूर हुंदा है। हज़रत ईसा अलैहि सलाम नूं तकलीफ दित्ती गई, हुण उस खुदा तो मुनरफ हो जाता ईसा अलैहि सलाम, जे हजूर उत्थे मदद नहीं की तो हज़रत बिलाल अपना अकीदा तोड़ लेंदे। हज़रत बिलाल ही आंदे रहे ये मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, एक औरत ने बांडा खरीदना होवे तो वह भी सौ बारी ठोकर दिए भी ये कच्चा है कि पिल्ला तो नहीं पक्का ही होवे। फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढब कुछ। जे तेरा इम्तिहान होया तो दूसरी क्लास जावेगा, जो भी पास हो तो इम्तिहान तो कई देंदे ने, सारे पास तो नहीं होंगे। किसी के अकीदे को खराब ना करो, ये अच्छिया बंदियां का काम नहीं होंगे, बल्कि उनकी तसली करो। तुम ये वेखो भी जेडे उस बजुर्ग को जाते ने बंदे वो बादशाह हो रहे ने कि नहीं हो, अपनिया तो तकलीफा आदि मुकदियां ने, की मतलब उन्होंने खुदा पावर नहीं दिती हुई, वो लोगों को फूक मारता तो ठीक कर देता तो आप बीमारियों मुबतला रहा भी जो उन्होंने इम्तिहान हों तो वह भी बिस्मिल्ला पढ़ के सबर शुक्र ना बर्दाश्त कर दें, दर्जात बुलंदी तो आते हैं। फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ। जदों मेरे आका अरश से तशरीफ ले गए अल्लाह की जात फरमाया ऐ मेरा हबीब जेड़ा मकाम मैं तेनू दिता किसी नबी नू नहीं दिता, जिमें मिराज मैं तेनू कराया किसी नबी नू नहीं कराया। दोस्त को दोस्त जाता है तो कोई चीज़ ले जाता गिफ्ट तो तू मेरे कण की गिफ्ट आँदी। सरकार मदीना सोच पै गए कि अल्लाह वास्ते मैं गिफ्ट की लिया, हर शह तो इस बनाई इन किसी चीज़ की कमी नहीं। गिफ्ट तो चंगी लगती है ना जी साढ़े को ना हो तो साढ़े वास्ते लिया हो, जी साढ़े को अगे मौजूद होवे वैल्यू तो नहीं होती। मेरे आका ने
अर्ज की, या अल्लाह मैं तेरे वास्ते आजजी ते इनकसारी लेके आ। अल्लाह ताला इस गिफ्ट से बड़े खुश हो, फरमाया है मेरा महबूब ये अपनी उम्मत ने भी दस देने, ये गिफ्ट मैनु बड़ी प्यारी, नमाज पढ़ो तो इंजी आजजी करो या अल्लाह पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं, सखावत करो तो यही महसूस करो कि पता नहीं अल्लाह ने कबूल की थी कि नहीं। सजदे में सर रख के रोवण की आदत पा, अपने आप को कमीना तो घटिया समझ। बाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जदों मस्जिद से वड़दे हैं तो गुज़ारो कतार रोंदे होंदे हैं, मुरीदा ने पूछना या हजरत ये अल्लाह का घर है तुसी इन दे विच वड़न लगे रोंदे क्यों? आपने फरमाया ता ही तो रोना, जितना मैं समझना ने अल्लाह का घर है तुसी नहीं समझते, ये एड्डा पाक घर है ते मेरे जैसा नपाक बंदा, मैं अपने आप नू एक हैजा औरत नाल भी नपाक समझना, तो मैं डरदा रोंदा पिया कि या अल्लाह एड्डा गंदा बंदा तेरे घर में वड़दा पे। ये सानू सिखाइया गई गल्लां, तकबर अज़ाज़ील राखार करद बज़िंदा ने लानत गिरफ्तार करद, और शैतान को बड़ा इलम आ बड़ी बंदगी की थी तो उन्हों तकबर ही ले बैठा, वही तो बड़ा आलम फाजल आ फरिश्तियां दा उस्ताद आ, उन्दे विच तकबर आ गया, जेड़ा दाणा स्वागेठ ना आवे उन्हों कदे बाग लगा, धुप नाल सुक जांदा है, उन्हों कीड़ियां चुन लैंदियां ने, उन होर परिंदे चुन लैंदे ने, उन्दी नस्ल वधदी ने, जेड़ा स्वागे दे हेठ आवे उन्हों बाग लगदे ने। ऐ मेरा महबूब तेरा ये तोहफा मैनू बड़ा पसंद है, मैं खुशी नाल पियाना, मंग जो कुछ मंगना। जदों अल्लाह दी जात ने गिफ्ट वेखी बड़ी पसंद आई तो हुण खुश हो के अल्लाह ताला फरमांदे ने ऐ मेरा महबूब मंग जो कुछ मंगना मैं तैनू अता करूँ। हजूर ने की मंगया? या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है इनू बख्श दे, मेरी उम्मत गुनाहगार है इनू बख्श दे। अल्लाह की जात ने फरमाया मैं तेरी उम्मत बख्श दी। मेरे आका ने फरमाया मन तारा का सुन्नत ही फलैसा मिन्ने, जेड़ा मेरी सुन्नत का तारक है मेरा उम्मती को ने। आकड़ते मगरूरी बंदया निकल जाएगी तेरी, जदों क्या नबी मुहम्मद सरवर ए नहीं उम्मत में। हुण असीं अपनी हालत भी वेखीए भी सानू कोई वेखे साडे अमाल वेखे साडी शक्ल वेखे सानू कोई महसूस करदा कि हजूर दा उम्मती है? जदों दुनिया वाले समझते हैं कि उम्मती नहीं तो फिर तो उम्मती किवें किहड़ा है बे जिहड़ा साडे विच नहीं है? दोस्त मेरे आका दा उम्मती होवेआ तो ये चीज़ां तेरे च ना होवेआ, तजदा भी पढ़ना है नमाजा भी पढ़ना है वाज भी करना है, हसद तेरे सीने चु गए ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया हसद नेकियां नूं इंज खा जांदा है जिवें लकड़ी नूं गुण खा जांदा है, जिवें रूह दे ढेर नूं ये अग दी चिंगारी खा जांदी। बंदगी करदा रहा इबादतां करदा रहा नाल नाल ज़ाया होंदियां रहियां, कबर च आप पछतावे क़यामत नूं आप पछतावेगा जिहड़ा भी तुहाडे च बैठा मैं हाँ या तुसी हाँ। किसी आलम तो पुछ लव्या ये हदीस दे लफज ने ये हसद नेकियां नूं बर्बाद कर छड़दा, तकबर भी नेकियां नूं बर्बाद कर छड़दा। ना माण करो किसे ज़ात पात दा, ना हुसन दा, ना इलम दा, ना बंदगी दा, अपने आप नूं घटिया ही समझदा रहो तां तेनूं खुदावंद करीम पसंद कर लवण। जे तकबर करेगा मैं उच्ची जात दा
میرے کو پیسہ زیادہ ہے، یہ اللہ دے نزدیک کی ہے؟ جڑا بڑے پیسے والا ہے وہ ایویں حماقت ہی ہے نا، آکڑیا ہوا اندر رات نو کی کھاندا ہے؟ وہ کوئی سونا کھاندا ہے؟ تے غریباں نال آکڑیا کون بندا ہے؟ او تیرے کول گڈی کوئی نہیں، میرے کول گڈی ہے، تیرے کول زمین کوئی نہیں، میرے کول زمین، ایو فخر ہوندا ہے نا؟ جدوں قبراں دے وچ جاسیں توں، پیا روسیں تے غم خاسیں توں، انہاں ویلیاں تے پچھتا سیں توں، نیکی کما اج وقت، کوئی بھی نہیں سونا کھاندا، ہر روز روزی ارشت اتردی ہے۔ آ جڑا بندہ ہوں مسلمان ہویا نا پیچھے جیا، وہ اسلام دے خلاف آ، وہ مسلمانوں نے مناظرے کرتا، وہ قرآن دی ریسرچ کرنے لگا کہ میں قرآن وچوں گلاں لب کے تے انہاں نوں میں ڈکاں، جے قرآن سوچ کے کوئی پڑھے غیر مسلم تے انہوں یہ نوا دیندا ہے تے تو مسلمان ہو کے کدوں دا پڑھنے لگا ہے تے تیرے سینے چ تو گندگی کوئی نہیں۔ اس بندے نے آکھیا یا مسلمان قرآن پڑھ دے کوئی نہیں تے یا اینو سمجھ دے کوئی نہیں، جیڑا اس نو پڑھ لوے سمجھ لوے تے او اے حرکتاں نہ کرے جیڑیاں مسلمان کردے پھردے، جیلاں بھریاں پئیاں نے اے ساریاں کافراں نے تے نہیں، تھانیاں وچ واہ کوئی لبدی سارے کافر نے، اے بھائی تیرے میرے بھرا نے، اسی مسلمان ہیں، اسی واقعی عمل نہیں کرتے، جتنے بچے اتنے پڑھے ہوئے ہو قرآن پڑھے ہوئے ہو اور روز سارے کھولتے ہو، جو کوئی کھولتا ہوئے گا تو ایک ادھا کھولتا ہوئے گا بھاویں ساتھ نہیں کیتا کھڑا، جتنے پڑھے ہوئے نے سارے نہیں کھولتے، آڑیاں دے وچ قرآن بچارے گٹھ گٹھ دھوڑاں پئیاں، گزر گئے کئی سال مہینے کسے نہ خبراں لئیں، قرآن تا قسم والے دن لبھنا ہے، قرآن تا کوئی کسی نو مناونا ہوئے تاں لبھنا ہے، تے جے کوئی آکھے نا اے ہاتھ نال دھاگا بن لا تیری سلام فلانی مشکل آسان ہو جاسے، وہ ہندوؤں دیاں گلاں من جاندا ہے تے میرے آقا فرماون مسواک جیب وچ رکھی کر، اس حالت وچ تینوں موت ہو گئی تے ہو سکدا ہے تینوں شہادت دا درجہ مل جائے۔ وہ دھاگے بن لیندے نے تے جڑے ہندو دیندے پئے، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تسی مسواک کرو، نماز پڑھو، با جماعت پڑھو، انہاں دا ساڈا عمل ہی کوئی نہیں، شفا قرآن وچ ہے، شفا حدیث وچ ہے، انہوں پڑھیا کرو دوست، میں زیادہ علم تو منع نہیں کرتا، بھلا ویکھو کہاں جی توں ایم بی بی ایس کیتا، انجینئر کر لئی، وہ تو موت آ گئی، وہ کسے کام آئے گی تینوں قبر وچ؟ تے جے تو قرآن پڑھتا پیا ہے تو پورا نہیں بھی پڑھ سکیا، پہلے فوت ہو گیا تو تینوں وہ قرآن کام دے گا، نمازاں تیرے کام آون گی، جنہ دے کوئی مر گئے ہوئے نے انہاں دی اولاد مگر نمازاں پڑھے تو انہاں نوں بھی قبر وچ فائدہ ہوندا ہے، تے ڈاکٹر دا کی فائدہ ہوئے گا؟ میں یہ تو نہیں آدھا کہ اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے انجینئر بنو، نال نال اچھے مسلمان بھی بنو، کتنے کتنے ہزار ویکھن دی فیس رکھ چلی تھی، غریب بندہ تیرے کو جاوے گا تے شفا تیرے ہاتھ چے، فیس بھی لے لیندا ہے تے پھر کتنے ٹیسٹ لکھ دیندا ہے، آ بھی کراؤ، آ بھی کراؤ، آ بھی کراؤ، وہ تو بیچارہ آٹا ویچ کے گیا ہے، وہ جیڑی تو فیس لئی ہے وہ کس وجہ تو لئی ہے؟ پوچھ لویا ہے کرون والا جواب دے، من جیڑا کرون نے جواب دیتا نا موسیٰ علیہ السلام، وہ جواب دیندے خدا دا احسان ہی نہیں سمجھتے، تو ڈاکٹری سیکھ لئی اے دماغ تینوں کہاں دتا، تینوں ایک کھاندے پیندے گھر پیدا کہاں کیتا،
ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ MBBS ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ? ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਅਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 4000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਫੀਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਉਸ ਤੱਕ 4000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆਵਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਕੋਲ ਜਾ। ਆਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਸਰ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ? ਪੀਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੀਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਹਿਜਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁੜ ਪੀਰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ? ਪੀਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਲਾਲਚ, ਬਗੈਰ ਪੀਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤਾਲਬ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਦਾ ਹੋ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਫਸ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹੂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਬਗੈਰ ਪੀਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੀਰ ਮਿੱਠਾ ਸਾਈਂ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਦਰਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਤਾ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਤਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੜ੍ਹੇ ਜਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਖੋਤਾ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਅੜੀ ਕਰ ਖੜੋਤਾ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਤੁਫੈਦ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੂ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੂਏ ਖੋਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਖੇ ਜੀ ਆ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬੂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟੁਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈ ਕੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਬੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲ, ਇਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਖੋਤਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪੀਰ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਥੇ ਤੂੰ ਜੋ ਪੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਜੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ।
और ये गंदियां बीमारियां ने जिन्हां दे कढ़न नाले सुकून आवेगा वरना सुकून आवेगे नहीं। बंदगी नूं वी रोड़ देवन पहले नंबर ते लालच, दूसरे नंबर ते हसद, किसी का साड़ करदे रहना। हसद हसद की आग में हमेशा जला करे, वो शमा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिन्हों खुदा शान दिता, जिन्हें तो खुदा मेहरबान। हांडी उबले तो अपने कंडली सड़ दी है ना, वो तो किसी कोई तकलीफ नहीं। हस बंदे दी है जिंदगी, हसद करद्या करद्या जिंदगी बर्बाद हो गई। जो नामा माल वेखन गए तो विच नेकी भी कोई नहीं होगी, की फायदा होगा। आखिर मरना तो है, अपनिया नेकियां कमा के किसी देवीए कि ये अकलमंदी। दूसरा का मसला यह है कि अल्लाह के काम तो इतराज करना था। इन्हें को गड्डी है जी, वेखो जी स्कितू लई है जी, कोई भी हो सकता ना, आलम भी कर सकते हैं एक दूए से हसद कर। अक्सर लोग जिहड़े बुजुर्गों को नहीं जाते उन्होंने बीमारियां कसरत ना आदियां, तो जिहड़े बुजुर्गों मनन वाले ने वो हुण किसी कामल पीर को गए ही नहीं, वो एवें तारीफ करते रहे अपने पीर की, तो वह वक्री गल। तो उन्होंने कोई सवाल क्या करे मेरे ते, मैं अपने पीर की तारीफ करना हर जगह पर, कोई मेरे ते सवाल क्या करे भी तुसी तो आए काम करते हो, तुसी आए करते हो, तो मैनू वेख के बोलना चाहिए ना। मैं मजमे आज तकरीर करना लोगों दसन, मेरा पीर ही हो जाए उनके पूरे पिंड बंदा बेनिमाजी को नहीं, औरत बेनिमाजी को नहीं। जितने के बंदे मेरे नाल होंगे ने ना, मैं खड़े करके विखाना, मैं उन्होंने आना सारे पिंड जो इसने विखा दे। मेरा कमाल नहीं, ये मेरे मुर्शिद का फैज। तकबर हसद नफरत ये भी बीमारी। नफरत एक नापाक चीज़ है, पेशाब समझ लो। इबादत सखावत रियाजत, इबादत का तो पता थानू, सखावत का भी पता सारे, रियाजत का कई पता हो सी तो कई नहीं। रियाजत सद ने मुजाहिद, जेड़ा कामल पीर करा मुजाहिद, इतने रोजे रख, इतने नफल पढ़, आशा नहीं खानी, भुंजे सोना है, वगैरह वगैरह, ये होंगी रियाजत। हुण दुध होवे उन्दे विच कतरा पेशाब का डिग पवे, असी वो पीवांगे। एवें सखावत दुध दा, रियाजत दुध दा, वो तू रियाकारी वास्ते भी खावण लग पे, मैं मुजाहदा करना, ये पेशाब का कतरा डिग पे विच। सखावत रोज़ देगा चढ़ाना है, महीने पिछले चढ़ाना है, लोग आखन भी यार नहीं पे दिंदा, पखा लिख मसीते भेजा उत्ते लिखा फलाने हाजी की तरफों अतिया, ये कतरा पेशाब का डिग पिया सखावत, ये अल्लाह को नहीं कबूल कर। इन चीज़ों दूर करने वास्ते ये पकड़ना है पीर। पाजीज बस्तामी रहमतुल्ला अलैह केडे पाए दे बजुर्ग ने, सारिया बजुर्गों का मुतफिका फैसला है कि जेड़ा शान बाज़िद बस्तामी का है ना, ये जिमें जबरील का फरिश्तियां विच है, इंज बाज़िद बस्तामी का मकाम वलियां विच है। सब तो उच्चा मकाम बाज़िद बस्तामी का फरिश्तियां विच, जबरील का उच्चा है। फिर जे अगर बाज़िद बस्तामी जबरील तरह हैं तो फिर वलिया उच्चा मकाम।
बाजार आते पे रस्ते चो कुत्ता जाता पे कुत्ते ने पहचान लिया कि बड़ी उच्ची शान वाला बुजुर्ग आता पे खुदा के पाक बंदों की तो यही शान होती है हर एक चीज दुनिया की उन पे कुर्बान होती असियां ने हाथ क्यों चुमदे पे हो असियां ने तुसी उन इतना अदब एहतराम क्यों कर दे हो ये खुदा कराउंदा है भाई अपने बंदियां दा अदब खुदा कराउंदा है जिस वक्त बाजी बस्तामी करीब आए तो कुत्ते ने कोशिश की थी मैं नाल लग जाऊं बाजिद बस्तामी अपने कपड़े समेटे तो उछल के पिछा हो कुत्ता रो पिया या अल्लाह या तो मैनू जबान दे ते या अपने बंदे नू समझन दी ताकत दे मैं इन दो गल्लां कर लां अल्लाह दी जात ने कुछ भी किया या कुत्ते नू जबान दे छड़ी या वाजिद बस्तामी नू समझन दी ताकत दे छड़ी कुत्ते ने आख्या या हजरत तुसी अगर मैं नाल लगता तो पलीत हो जाता त्रै बारी या सत बारी दो वार तो पाक हो जाओ तो जिस दिल विच नफरत हो सत्तां समुद्रां नाल भी धोवी तो पाक नहीं बाज़िद बस्तामी समझ गए कि मैं नफरत तो की देखो ये दिल चाही तो मैं की अल्लाह वालियां नूं अल्लाह दे बंदियां नूं हर थां तो सबक हासिल हो जांदे ने बाद इस बस्तामी कुत्ते नूं आखदे ने ऐ यार कुत्ते मैनूं कुछ दिन अपनी सोहबत च नहीं रखदा कुत्ते ने की जवाब दिता या हज़रत तुसी मेरी सोहबत च किवें रह सकदे हो अल्लाह तो थानू बुलाउंदा आओ मेरी तरफ तुसी जांदे ने ते मैं जेड़े दर दा लुकमा एक बारी खा लवां मैनू वो जुतियां मारदे रवण डंडे मारदे रवण ते मैं वो दर छड्डदा नहीं बाज़िद बस्तामी रो पे ते सजदे च गिर गया या अल्लाह तेरा बाज़िद इतना गिर गया कि आज कुत्ते भी कबूल नहीं किया अजी बरमला एक शरफ दाश्तंद खुदरा बेल सगन पिन दाश्तंद शेख सादी फरमाते ने अल्लाह वालों का शान फरिश्तों से इसलिए बढ़ जाता है कि अपने आप को कुत्ते से कम समझते हैं असी किसे नालों अपने आप नूं घट समझने हैं कुत्ता तो दूर की गल अपना आप ही मुआसबा कर लीए चंगे रवांगे इसे भुल च ना रवीए मैं तहज्जुद पढ़ना इसे भुल च ना रवीए कि मेरे हाथ लोग चुमदे इहो जिहां लोगों नूं तौबा करनी औखी हो जाती है सारे तकरीर करन वाले चंगे नहीं होंदे कुछ हेठां बैठे भी चंगे होंदे ने का काना उत्ते हुंदा हीरे मोती हेठ हुंदे ने ये अपने आप नूं वेखना पवेगा लोग फिरौन नूं खुदा आखन लग पया वो खुदा हो गया एक अनपढ़ बंदे नूं सारा शहर आखे एम ए हो गया ये हो जाएगा नहीं दोस्तों अपने ते नज़र रखो मेरी बीवी मेरे नाल खुश है मेरी माँ भी मेरे तो राजी मेरे पड़ोसी मेरे नाल चंगे ने मेरा मौलवी भी चंगा है जिंदा मगर मैं नमाज पढ़ना बाहरों कोई मौलवी आवे तो उनकी असी इज्जत भी करने खिदमत भी करने चंगी गल है ऐब नहीं नवा गुड़ लगता जो मिठा वो कीमती पुराना ही हुंदा है मौलवी थोड़ा अपना ही चंगा है
उनकी खिदमत की करो, उन्होंने ना नहीं करोगे तो पुछ नहीं होगी, इनकी ना करोगे तो पुछ होगी। बाहर गरीबा दिता फिरना की पता नशा कर लें, तेरे पिंड च गरीब कोई नहीं, उन्होंने दे। ज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वबनि सबील, इबादत भी जाया, खरायत भी जाया, इलम भी जाया। जदों कबरां दे विच जासें तू, पिया रोसें ते गम खासें तू, इन्हां वेलियां ते पछतासें तू, नेके कम्मां अज वक्त। किसी यतीम बच्ची का राती मैं पता नहीं किहड़े पिंड च आ गोडी बोर, उत्थे डाक्टर मैनूं दवाई देवण आया, वो दसदा पिया असां जी इत्थे पिंड च तनजीम बनाई हुई है, वो गरीबां लोकां दी मदद करने आ, किसी बच्ची की शादी होवे तो उहदा हिस्सा पाउने आ। एक होर पिंड इस तो पहले मैनूं उत्थे नौजवान लड़के मिले, वो हर साल मेरा जलसा कराउंदे ने, उन्होंने मैं पूछा की काम कर दे, उन्हें आख्या जी असी इस गरीब बच्चे बंदे की शादी हो तो या तो रोटी का खर्चा चा लें, तो जो उस तो वधन पैसे तो वह असी दहेज पा छे, रोटी का खर्चा थोड़ा होंगे। वो कितने कितने बंदे लेके चले जाते हो जाने ना, जिंदे घर जान जानी होंगी वो एडा परेशान है जिमें कोई लश्कर उनसे हमला करने वाला। जे थोड़े बंदे ले जाओ फिर नहीं सरदा। कितने मिराज दे जलसे वेखे, कितने मिलाद दे जलसे वेखे, कितने जुमे पढ़े, कितने जनाजा ना गए, की असर होया। जे डग्गा वग जावे मिराज दे जलसे, डग्गा वग जावे मिलाद दे जलसे, डग्गा मसीते जुमे ले चला जा, डग्गा जनाजे में चला जावे, उन्हों की असर होगा। मौलाना रूह फरमांदे ने आदमीयत लहमो शहमो पोस्त नेस्त, आदमीयत जुज रजाए दोस्त नेस्त। वो चमड़े चर्बी गोशत का ना आदमी नहीं होंदा। असीं बहुत बैठे हैं अपने आप देखो कि दिल इत्थे हैं, किसी का कारोबार च, किसी का अपनी महफल अले, किस एक अद्धा होवे तो होवे, ते जे होवे हा जनाजे चू मुड़दा होना तो राह च गाली कटदा हूं, जनाजा पढ़ के आता पे तो सिगरटा पीता हूं, पत्थर चित जिन्हा बाहू उत्ते जाया वसना मीना, कला बल राना अला कुलूब हिम्मा कानू यकसबून। अल्लाह दी ज़ात फरमांदे ने गुनाह कर करके बंदियां दे दिल जंग लूते सख्त हो जाते हैं। वेखो ये थोड़ा शौक है कि तुसी जलसे ते आ जाते हो, कितने लोग आए हो, हुण सारे वेखो अपना दिल इत्थे ही है। ये भी जरूरी रखा करो, दिल नूं नाल लेके आया करो, फिर फायदा हो। जे फिर भी फायदा ना हो, दिल भी इत्थे ही। मौलाना नूं फरमांदे ने गर तो संगे खाराए मरमर छवी, चूंब साहेब दिल रसी गौहर छवी। है बंदा तू आना, मैं बड़े जलसे सुने ने, बड़े जुमे पड़े ने, मेरे को तो गुनाह छुटते ने। मौलाना नूं फरमांदे ने हुण तैनूं एक नुस्खा मैं दसना, गर तू संगे खाराए मर मर छवी, चूंब साहेब दिल रसी गौहर छवी। ये गंदा दिल, ये पत्थर दिल, पत्थर नालों भी सख्त ज़्यादा दिल, जिन्हों कोई असर नहीं होंदा, किसे अल्लाह दे वली नूं दे छड़, वो इंदा गौहर बना दे, बड़ा कीमती हो जाए। मेरे मुर्शद करीम फरमाते होंदे आ पीर सोना साईं रहमतुल्लाह, इन्हां बजुर्गों के वालद आ फरमाते हैं, फकीरो जदों कपड़े धवाने होंदे कपड़े उतार के देंदे हो ना, गड़ी ठीक करानी होवे तो उतार के देंदे हो ना,
क्यों नवा दो मेरे बाजू नाल ठीक कर दे दोवां नाल ना जो कपड़े मेरे इत्थे धो दे नहीं उधार के देने पौंदे ने आ फरमांदे ने मैनू दिल दिओ तो दो दिल तो तुम्हारा घर में दिल दुकान ते इंजी है ना क्यों मस्जिद मेरे बद बहरे सजूद सरब जुम्बद दिल न जुम्बद इंच सूद बुजुर्ग फरमांदे ने ऐ नमाजी कितना अरसा ये नमाज पढ़ते सिर ही झुकाउंदा रहे दिल तो झुकाया कौन मुड़ की फायदा हो दिल नू झुकाओ अपने आप नू घट समझो रोवन की कोशिश कर जे रो नहीं सकता तो रोवन वाला मूँह बना लो कल्ला कल्ला बह के अपने मत्थे धथड़ा मार कि इतना दिल मेरा सख्त हो गया है हुण मैनू अपने गुनाहों भी रोना नहीं आ कि अल्लाह तो शिकवा करोगे अल्लाह फरमाते ने मैं जितना बच्चा माँ को प्यारा है इन्हें 70 गुना ज़्यादा प्यार करना अल्लाह के वादे सच्चे ने वेखो ना एक बच्चा माँ को कोई चीज़ मंगता है तो माँ थोड़ी जी लेट कर दे तो बच्चा नकल कर लग पाता रोवन की रोंदा क्यों नहीं होंगे आवाज़ रोन वाली कटता अखा अगे हाथ रख लेंदा माँ तड़फ जाती अल्लाह की जात समझ रहे माँ नो 70 गुना ज्यादा प्यार करें वो किमें ना तेरा मसला हल करे उन्हों कोई कमी उन्हों कोई मजबूरी है वो भी कर देगा कमी है तो साढ़े च कमी जे किसी पीर पकड़ लिया किस्मत ना चंगा पीर मिलता चंगा जे नसीब होवे चंगी रहनुमाई हो जहाँ जहाँ नहीं पीर पकड़िया है उनकी की सिफत है उन्होंने पीर तो क्यों पकड़िया है अक्सर जवाब यह आएगा कि उनके फलाने पीर का पुत्र है ये दुरुस्त जवाब शेरां दी मारियां गिदड़ पे खांदे ने हाजी का पुत्र जमदा ही हाजी होंगे हज करेगा तो हाजी बनेगा ना डॉक्टर का पुत्र जमदा ही डॉक्टर बना देंगे नहीं ते पीर दे पुत्र जमदा पीर किवें बना सकते ते जे फिर कोई गलत काम करता पीर उनके हवाले दे दे के चंगियां पीरां को लोकां दूर क्यों कर दे एक बंदा पुलिस की वर्दी पा के डकैटियां करता ते तुसी सारी पुलिस तो बद हो जाओगे नहीं उनकी निशानदेही करांगे सारी पुलिस तो नहीं ना गलत काम कर दे इस तरह दोस्तों जेड़ा पीर गलत है उनके कोलों बचो भी तो लोगों भी बचाओ तो जेड़ा सही है उनके को रोकना गुनाह है दाता साहब के मगरों कुछ मौलवियों ने उत्थे साजिश चलाई लाहौर और इस किबले ही डींगा बना छड़िया इस मसीत सही नहीं बनाई लेकिन दाता साहब को भी मुतनफर लोग हो जाए आपने उन्होंने बुलाया पूछा जी गलती तो मेरी है ही तो तुसी मैनू आन के दसो आ जे मैं जिद करता तो फिर तुसी लोगों मना करो आ किंदा नुकसान पे कर दे दीन मेरे बाप का दीन मेरे दादे का मेरे को लोग आते तो दीन सीखते हैं शक्ल मुहंदी बनाते हैं तो थानू ये दुख लगता है काम क्यों हो रहा भी मेरा ऐब है तो मैनू दसो ना असर दी नमाज पढ़ावन लगे वह मौलवियां नाल पढ़ी तो किबला सामना नजर आ औलिया रा हस्त कुदरत अज इला तीर जस्ता बाज गर्दानत जरा अल्लाह अपने बंदियां नूं ताकत दित्ती हुई है कमान विचों निकलिया तीर वापस कर लेंदे फिर कई लोग
जा के बुजुर्गों आते हैं जी को करामत दिखाओ। बुजुर्ग करामत नहीं दिखाता। इतने कोई बंदा अपना गुनाह दसो दसोगे कि करते कौन है? करते तो है ना सी, लेकिन दसीए फिर इज्जत फर्क पै जाता। खुदा दे वलियां च ताकत होंदी है, लेकिन वो दिखाते नहीं कि साड़ी मंजिल से रुकावट पै जानी। चल भुलिया चल उत्थे वसीए जिथे होवन अकल दे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। जो दुनिया ना मन्ने फिर की हो जाए। कई नबी ऐसे होए ने जिन्हां दा एक बंदे भी कलमा नहीं पढ़े, उन्हां दी नबूवत च की फर्क है? तो जे मिर्जा कादियानी दे मगर लखां नाल लोग लग गए, उन्हां नूं की फायदा? पानी पी भी पुण के ते मुर्शद पकड़िए चुन। मुर्शद वेखना होवे ना उन्दे मुरीद वेखो, जिमीदार वेखना हो तो उन्दी पैली वेखो, दरिया का पानी वेखना हो तो नदी नालियां च वेख लो, उन्दिया फड़ां ते ना जाओ। मैं रात नूं उड़ जाना, मैं पैसे दूने कर देना, वगैरह वगैरह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला कणक खरीद के आंदे पे मदीने च कहत पे, यहूदियों नूं पता लगा कि हज़रत उस्मान लेके आंदे पे ने, आपां राह च उहदे कोल गंदम खरीद लवीए, इत्थे फिर महंगी वेचांगे। राह च मिलदे गए जी इतने गुना मुनाफा ले लो, इतने गुना मुनाफा ले लो। आपने फरमाया दस गुना लेना, उन्होंने कहा दस गुना ने थोड़े सामने लवांगा। यहूदियां आके किवें लगे, सातों तो अमीर थे ही को नहीं। मदीने जाके ते सारी कणक खुदा वास्ते वंड छड्डी। अल्लाह दा वादा है दस दुनिया सत्तर आख। नमाजियो गरीबां दे घर पता कीता है दाने हैं कि नहीं? सर्दियां गुजर गई ने, किसे वेख्या कि इन्हां दे बिस्तरे पूरे हैं कि नहीं? उन्होंने पूछो जाजे इलेक्शन तक खड़ोते हैं, कितने बैनर उन्होंने लाए हैं, कितने घरां दे बिस्तरे बन सकते हैं? नहीं, उस पागल थानू बनाउंदे रहे असी गरीबां दी खैर खाई करांगे, इंज करांगे। उत्थे उठ के आखो चाह इत्थे जी पांच सत बच्चियां ने उन्होंने दहेज के पैसे दे छड्डे, असी सारा पिंड तैनू वोट देवांगे। जितनियां बच्चियां पांच सत पिंड च होवणगी ना, तो इतफाक करके आखो भी इतना दहेज दे छड्डो। पर उदों तो हर बंदे अपने अपने पेट से मरना। हराम का पैसा चंगे पासे लगता भी नहीं, उन्हें देने भी कोई नहीं, वादे कर जावन। कितने गरीबों ने नौकरियां दित्तियां ना हर साल, कितने कितने दसते हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छे बंदे होंगे। मौलवियों में भी बड़े बड़े अच्छे बंदे हैं, पुलिस में भी बड़े बड़े अच्छे बंदे हैं। नहर जन जन नस्त नहर मर्द मर्द, खुदा पंज अंगुश्त यकसा कर। लेकिन खुदा ने सानू भी दिमाग दिता है, इंदे को काम लाओ। तकरीर सुन ली असर किते को, टाइम ही जाया किते ना। मां नू वेखना कबूल हज का सवाब है। जे हुण असर होया तेनू ते जाके मां दे पैर चुमी खा जिन्हां दी जिउंदियां। अपना तजर्बा कर लवें कि मैनू असर होया कि नहीं। शर्म आउंदी, वाह तेरी शर्म है। दाढ़ी रखण ते तैनू शर्म आउंदी है, मां दे पैर चुमण ते शर्म आउंदी है, बाप की खिदमत करन ते तैनू शर्म आउंदी। हर चीज़ कदर उदों पाउंदी है जदों निकल हत्थां विचों जांदी। जिन्हां दा मां बाप मर गया उन्हां कोल पुछो,
میرے آقا نے فرمایا کاش میری ماں جیوندی ہندی، میں نماز پڑھدا پیا ہوندا، مینو آواز دیندی، میں نماز توڑ کے چلا جاندا۔ یہ نبیاں دا سلطان فرماؤندا۔ ماں دی یاد آئی نا، فرمایا کاش اج میری ماں جیوندی ہندی، میں نماز پڑھدا پیا ہوندا، مینوں آواز دیندی محمد، میں نماز توڑ کے چلا جاندا۔ جڑے غریب بڑھڑے بندے نے، پتر بھی غریب نے، پتر اپنے پتر نہ کھان تو کوئی شے لے آتا ہے، تو پیو یاد ہی کوئی نہیں، تو ساس نوں دی لڑائی یہ لڑکے ہی کراؤندا ہے۔ کیویں جڑیاں بیویاں تسا آندیاں اپنے آپ تو نہیں آ گئیں ساریاں، کوئی سو وچ ہی ہوندی اپنے آپ، یا ماں لیاؤندا یا پیو لیاؤندا، انہاں نوں چنگیاں لگیاں تو لے۔ میرے مرید آندا ہے دوواں دی شادی ہوئی، وہ اپنی بیویاں نے بھی لے کے آئی تھے، ماں بڑی راضی راضی بیچاری نال۔ میں انہاں بچیاں نوں پوچھیا تسی پتر اپنے آپ آئی ہو کہ تھوں ماں ہے جی ساری سس لے کے آئے؟ میں کہا ہوں یہ گھروں نہ کھڑ چڈیا ہے، ان دے نال تسی بھی پیار کرے، آج تو پالو اس گھر دی مالک یہ ہے، تے جی تساں چنگا دودھ پیتا ہویا تے ان دی قدر کرو۔ ہوں پتر ہی مگر لیا دے سیب فروٹ تے ماں کو لکا کے لنگے، میں بیوی نوں دیواں، ماں پاگل جی ویسے بھی لے جاویں، اس کو کھو لینے تیرے کو دل تو ٹوٹ گیا۔ جی ماں دا دل ٹوٹ گیا تینوں سکون کیویں آوے؟ پھر ماں نوں کوئی دے کے ویکھ لو، وہ پہلے نوں نوں سدے گی، اپنے پوتریاں پوتریاں نوں دے دے، پھر سس تے نوں دی محبت ہو جاوے۔ جدوں توں چوری کیتی تے او بچہ سمجھ گیا، او نوں سمجھ گئی کہ ماں دا آپ نہیں قدر کردا تے مینوں کیہڑی لوڑ کرن، تے تیا ونڈ کے دے چھڈیا کر، آ امی تیرا حصہ ہے، آ تیرا ہے، مڑ بھی ویکھ لیں آپ دے اس وچ پوتریاں پوتریاں نوں دے دے، انہاں دی محبت ودھے گی۔ ہیکن نہ وہ ہوندا جن دی اکھاں ہوندیاں نہیں، ہیکن نہ وہ ہوندا جنوں غریب نظر نہیں آندا۔ اگوں روزے ہوندے پئے نے، روزیاں دی تیاری کرو، کی تیاری کرنی؟ تیل مڑنا، نیت کر لو جے روزیاں دے آون تو پہلے مر گئے تو تھانوں پورے روزیاں دا ثواب مل جاوے۔ پھر اے ویکھو کہ کیڑے کیڑے غریب گھر نے ساڈے محلے وچ، انہاں نال رابطہ رکھو، انہاں دے گھر کٹھا جتنی توفیق ہوے، جے پورا بسترا دیون دی ضرور توفیق نہیں ہوندی تے جراباں لے کے دے چھڑیاں کر، کسے نوں جرسی لے کے دے چھڈی کر، یا نقد پیسے دیو تو سارے تو اچھے نہیں، کھوارے ہوں بچہ بیمار ہو، انہوں دوائی دی ضرورت ہو، یہ پیشہ ور منگتے تو ہیں نہیں، بھاویں غریب نے تیری نسل دے، انہوں ہاتھ کرن لگا غیرت ہوں دی، شرم ہوں دی، جڑے بے شرم نے لپٹ کر سوال کرتے ہیں، یہ قرآن دا وقت ہے للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ، انہاں فقیران دی خدمت کرو جڑے اللہ دے رستے وچ اٹک گئے، اسیر میں نہ قیدی ہونا، قید ہو گئے، انہاں کو دنیا کرن دا دنیا دا کام ہی کوئی نہیں۔ این جی تھوڑی برادری دے بندے بھاویں جڈے غریب ہو جاویں، تھوڑے اگے سوال تو نہیں کرن، تو کدے قربانی دا گوشت بھی ادھر نہیں بھیجے،
एक बंदा मेरे को बैठा सफेद पोश आंदा मौलवी जी दो असि दोवे बैठे पिछले साल कुर्बानी तो गोश्त खादा मैं जे जिंदगी है त्रै चार दिन रह गए कुर्बानी तो हूँ कुर्बानी तो खाना यो जे बंदे लभो लभ पवनगे सानू ये ख्याल ही कौन जिंदे कन नू पीड़ कदे ना हुई होवे उनू की पता कन की पीड़ की होंदी जिस गरीबी वेखी नहीं उनू की पता होंदा गरीबी की शाय कई तो इंज आखणगे दिल च ही आखणगे नहीं इहो जिहा बंदा कोई नहीं जिस पूरा साल ही गोश्त ना खादा वो मसीत बह के गल करता उसका कह जी पिछले साल कुर्बानी का गोश्त खादा तो त्रै चार दिन रन देने जिंदगी हुई तो मुड़ खाना इो जो बंदे हो सन कई बच्चे भी बैठे हो लोग ज्यादा हकदार जेडे इज्जत नफ्स पर भी कंट्रोल कर सानू कोई पहचान ना लवे किस गरीब हाँ वो पहचानिया पछानिया तो पहचाने जाते भी गरीब ने वो चमट कर सवाल नहीं करते हैं गरीब कई इत बैठे हो सर जिनी बच्ची जवान है रात उन्होंने नींद ही नहीं आती पी कई को तो ज्यादा बच्चिया एक बच्ची जिंदी जवान है तो उन्होंने नींद नहीं आती पी कि मैं रिश्ता करा कित तो जे तू पुछेगा मैं पुछागा हो सकता है वो अगू ये आखन कि साढ़े को रिश्ता पुछते ही कौन मंगल की गल है मावं दिया आईया मेरे को तवीज लवन तो मैं दसदिया ने जी अगे ये बच्ची मंगी भी आई तो उन्होंने बच्ची ने रिश्ता तोड़ दिता है मैं क्यों तोड़िया इन्हें आखिर असं गरीब आए साढ़े को उतना जहेज कोई ना इंज ना करो ई कमी बीनी खिलाफ आदमंद नेस्तंद आदम खिलाफ आदमंद कुछ लोग ऐसे ने जिन्ना उत्ते चमड़ा तो लिबास आदमी आला है पर बिचू आदमी रह नहीं गया मस्जिद डा दे मंदिर डा दे जो कुछ डां दे एक बंदे आंदा दिल ना डावी रब दिलां विच रहंदे जिस बाप दे बाप उस लड़की दा मरिया है बाप फौत होया उस माँ दे मूँह तो तुसी आखदे पए हो कहने थोड़े जहेज ना कोई नहीं असी रिश्ता को नहीं लैना मैं नहीं बद दुआ दिता नहीं मैं मूँह चु कटदा उन कई हादसे हो सकते हैं एक मेरा मुरीद आ वो प्रोफेसर लग गया हाँ गरीब घर का उनकी फूफी ने अपनी धी को मैट्रिक कराया बड़ा औखा हो गया इन्ना मंगी हुई आई ये जैसे प्रोफेसर लग गया तो उन्हों रिश्ता कित अमीर का मिल गया बच्चा आंदा रहा अपने बाप न अबा ये जुल्म ना कर अब पोतरो मेरी भैन है उन शायद कोई नहीं भैन है तो उनका तो हाथ दे ना उनका दिल तोड़ छड़े कोई परवाह ना की उस लड़की के पिछू रिश्तेदार आन के कोई दोस्त आन उन्हें आन के उस बच्चे नूं जहर दे छड़िया वो तड़फदा पिया है तो जैसे बाप गया उनका पता करन तो पूछा कहाँ तेनों जहर दिता है उस आखा तेनों हूँ मैं की दसा हूँ तेनों मैं पिछू मुसीबत पा जावा भी वैर लेंदा वाती मैं जो तेनों आख्या भी उत्थे कर उन्हां दी हा मैनू लै गई हूँ अल्लाह दे सपुरद मैं दसना कुछ नहीं
फिर वो मेरे को प्यो आया, मैं जी उन्हें केस करूँ। मैं अल्लाह के बंदे हूँ सबर करके बह जा, केस कर सें तो उन्हें तेनों ही मार छड़ना। उस लड़की के नाम त्रै मुरबे जमीन आई, वो बिरादरी छुपाट देवन देव लोग इस लालच किया, वो समान भी वापस लै गए, सोना भी लै गए, लालच इन्ना फसया कि जैसे जाना कि पुछद भाला सवाल करता बच्ची पढ़ी हुई कितना, वो आंदा जी सिर्फ कुरान पढ़ी। इस लफ्ज कितना दुख है, वो आंदा जी सिर्फ कुरान पढ़ी। मायूसी दे लफ्ज कुरान सिर्फ हो गए, तुसी दसो वो केड़ी किताब है जिंदे है करफ दस नेकियां, वो केड़ी किताब है जिहड़ी थां ते पढ़ी जावे खुदा दी रहमत दी बारिश होंदी, वो केड़ी किताब है मुसलमाना जदों तू मरना ते तेरे उत्ते पढ़ी जांदी। बीबी फातिमा तज़हरा एम ए किया है, बी ए किया है, कुरान पढ़िया गई। कुरान थोड़ी तलीम नहीं, पढ़ इनू समझ, इतना तेरा ईमान है तू दुध च पानी पिगाना है, रोजी का जिम्मा अल्लाह ले आया है, इतना तेरा ईमान है झूठे वीजे वेचदा बनना है, रोजी का जिम्मा अल्लाह ले आया है, जेड़े बाहर जाते ने वो सारे सोना खावन लग पाते हैं, कई अगे ना ही बर्बाद होके आ जाते, बाहर दे मुलक दे बागां विच्चों अंब खाण ना जाइए, अपने देश दे कलरां विच्चों तुम्हें चुन चुन खाइए। मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते दसां ग्यारां सालां पिछों आया, फिर पुछदा मेरी माँ की कबर कित्थे, हुण की करूँ कबर में, उन्हूं तेरी जरूरत आई इत्थे दवाई लिया के दिंदा, कोई उन्हूं खाण वास्ते चीज़ लिया के दिंदा, वो तो तू कोठियां बनाउंदा रहे, गड्डियां खरीदा रहे, उन्हां नूं हुण तेरियां कोठियां का की फायदा, हुण खत्म इहनूं दवाउंदा। कुरान नहीं उह पढ़दा कबर ते जाके, घर पढ़ लिया कर, नहीं किसे परिंदे का बड़ोला वेख्या, किसे परिंदे का कदे गोदाम वेख्या, उन्होंने पेट तो वेखे, उन्होंने बच्चे भी वेखे, सुबह खाली पेट उठते ने शाम पेट भर के सौंदे, कोई परिंदा दुध च पानी पाउंदा, कोई परिंदा रिश्वत लैंदा, कई परिंदे ऐसे ने जिन्हां दी खुराक हीरे ते मोती है, वो भी रज के सौंदे ने, एक हीरे की कीमत कितनी, मोती की कीमत कितनी, रब पत्थरें पालदा कीड़िया नूं रोजी देवदा जने इंसान तां, पत्थर च कीड़ा उन्हूं भी दिंदा, वो उत्थे की काम करदा, अल्लाह दा जिक्र करदा। दाता साहब फरमाते ने ए वजीफा कर जा जंगल च बह जा, दुनिया कमा कमा के तेरे को उत्थे लिया वे, मेरा हर महीने लाहौर जलसा आंदा, महाना मेरा उत्थे तीसरा हफ्ता, मैं कई बार पूछ चुका समझावन वास्ते लोगों नूं, मैं ना लाहौर वाले आओ भला दाता साहब दियां मिलां कितनियां ने, थानू किसे नूं पता है तो दसो, होवे तो दसो, लाहौर वाले तो आते हैं कोई नहीं, तुस मुड़ के तू दस लैनियां ने, ते जितना लंगर दाता साहब का चलता है कोई बादशाह चला सकता है, असल बादशाह तो ये लोग ने। ये मैं थोनों वजीफा दसना, मुरीद जिथे हो बेशक उत्थे रहो, जे होना चाहते हो जिथे दिल करदा उत्थे रहो, ना अपने मालक की खातर, ना अपने
ਨਾ ਮਾਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੋ ਸੱਜਣ ਸਾਈਂ ਯਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੇਰੀ ਮੰਥਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸ ਛੱਡੇ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਓਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਪੀਰ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਪਕੜ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਮੰਗਤਾ ਦਰ ਖੜੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸੁਨਤ ਅਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਨਤ ਅਲ ਜਮਾਤ ਸੁਨਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਤ ਤੋੜਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕੁੱਲੋ ਉਨਾਸਿਮ ਬੇ ਇਮਾਮੇ ਹਿਮ, ਹਰ ਗਰੋਹ ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਨੇਕ ਹੈ, ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੈਣ, ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਯਾਰੋ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਆ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਆਲਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬੈਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਵਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਆਮੰਤ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਵ ਮਲਾਇਕਾਤਿਹਿ ਵ ਕੁਤੁਬਿਹਿ ਵ ਰੁਸੁਲਿਹਿ ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰਿ ਵਲ ਕਦਰ ਖੈਰਿਹਿ ਵ ਸ਼ਰਿਹਿ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਲ ਬਾਸਿ ਬਾਦਲ ਮੌਤ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ ਵ ਅਸ਼ਹਾਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵ ਰਸੂਲੁਹੁ। ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਬੀ ਮਿਨ ਕੁੱਲੇ ਜ਼ੰਬਿਨ ਵ ਅਤੂਬੁ ਇਲੈ। ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ। ਬੇਰਹਿਮਤ ਇਹ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਲਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਰੀਦ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਮੇ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਤ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਤ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੈਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਬੈਤ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਪੀਰ 100 ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਕੁੱਤਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਰੀਦ ਆਖੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬੈਤ ਆਉਣ ਤੋਂ? ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਤੀਫਾ ਕਲਬ,
जेड़े लोग जानते ने उन्होंने पता है कि सत लताइफ बंदे दे जिसम विच ने, बत्ती असबाक ने, मुराकबात ने, तां बंदा कामल बनता है। एवें नहीं कामल बन जाता। हुण कई पीरां नूं पुछो तेरा सबक कितना है, वो आखण दे सानूं तां पता ही कोई नहीं जी, उस पढ़े ही कौन तक हम उस शगिरदा नूं की पढ़ाउणा। इहदा नां है कलब, उंगल नहीं रखनी, उच्चा नहीं बोलना, अपने दिल च पढ़ना अल्लाह 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 अल्लाह। जिवें प्यास लगी होवे बंदा जबान नाल पानी 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 तो नहीं आखदा, ख्याल होंदा पानी वाली होंदा। कुछ लोग जुबान का जिक्र करते हैं। शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुबानी फरमाते हैं, जबान तो नौकर है, बूहे के खड़ा है, नौकर दी की वैल्यू होंगी। इनू हुक्म आना गाला कड, ये गाला कड्डे। इनू हुक्म हो तलावत कर, तलावत करे। अंदरों हुक्म आना आ फरमाते ने, जिक्र आमा रब वद जिक्र जुबान, जिक्र खासा बाशद दिल बेगुमा। आम लोगों का जिक्र जबानी जिक्र है, जेडे अल्लाह के खास बंदे ने वो दिल का जिक्र करते हैं। दिल के जिक्र वास्ते कोई पाबंदी भी नहीं। वुजू होवे या ना होवे, बंदा पाक होवे या ना पाक होवे, चंगी जगह पर बैठा है या भैड़ी जगह पर बैठा है, लैट्रीन च गया है, गुसल पिया करता है, दिल का जिक्र कर सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो मेरा जिक्र कसरत नाल करो। खाना खावेगा तो जबान का जिक्र चलता रहेगा, गल करेगा तो चलेगा, पानी पीवेगा तो चलेगा, लैट्रीन जावेगा तो जबानी जिक्र कर सकना। तू नंगा नाउंदा मैं तो जबानी जिक्र कर सकना, फिर साडा अक्सर टाइम तो इधर चला जाता। मौलाना रूह फरमांदे ने, मोमना जिक्र खुदा बिसियार को, अताबिया भी दर्द आलम आबरो। ऐ मोमन, जे तू दो जहान की कामयाबी चाहन तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करया कर। अल्लाह 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 अपने दिल च पढ़ना। जिक्र हक पाकस्त चों पाकी रसे, रक्त पर बंदत गुरु आयत पले। बंदा सोचता है मेरा दिल हर वक्त परेशान रहता है यार, कोई कमी भी कोई नहीं, कारोबार भी है, बच्चे भी ठीक ठाक कमाते ने, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से सकून कलब होता है खुदा को याद करने से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, इस आयत का तर्जमा अल्लामा इकबाल ने फरमाया। मौलाना रूह फरमाते ने, मोमना जिक्र खुदा बिसियार गो, अताबिया भी दर्द आलम आबरो। ऐ मोमन, जे तू दो जहान की कामयाबी चाहना है तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करया कर। वुजू होवे ना होवे, बंदा पाक होवे या ना पाक होवे, खाना खांदा है, वेला बैठा है, दस्तबकार दिल बा यार, हाथकार की तरफ दिल परवरदिगार की तरफ। अल्लाह दी ज़ात फरमांदे ने, जिहड़ा मेरा जिक्र करदा है उसको मैं मांगने वालों से ज़्यादा देता हूँ। शेख अब्दुल कादर जिलानी फरमांदे ने, तालबे दुनिया तालबे दिरमो दिनारस नेस्त अब्दुल्ला, ये अल्लाह का बंदा नहीं जिहड़ा दुनिया का तालब है, जिहड़ा पैसों का तालब है, अल्लाह का बंदा नहीं है। अल्लाह का बंदा हुंदा तो अल्लाह का जिक्र करदा। थोड़े चों वी जिहड़ा करेगा वो अल्लाह का जाकर बंदा बन जाए। इहदे दोस्तों खर्चा कोई नहीं, ये औखा कोई नहीं, काम में हरज कोई नहीं। हुण मूंह नाल मैं तकरीर पै करना,
दिल विच मैं हो सकता है जिक्र करता हुआ कर सकना ना, एवें तुसी जो काम भी करो दिल विच ही पढ़ो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जे चाहते हो जल्दी चल पवे, मरण तो पहला पहला चल पवे, अल्लाह करे चल जावे ना पहला पहला, फिर कफन दे नेड़े भी मिट्टी नहीं आवेगी। किवें चले गया, सोबते शागल तुझे शागल करे, सोबते गाफल तुझे गाफल करे। जाकरां कोल बैठा कर, नवे घोड़े नूं चाल सिखाउणी होवे ना, पुराणियां घोड़ियां कोल ले जाणा पैंदा, फिर वो अपने आप सिख जांदा, वेख के सिख जांदा। ये शौक मिट गया, ये ख्याल मिट गया, इयो शौक रह गया मैं किस तरीके ना अमीर होव, बंगले कोठियां दा मालक बन जा, मिलना मेरिया होव। सोचदा रहा खानी रोटी है अरशद उतरेगी, जदों नहीं उतरेगी नहीं खावेगा, कफन दो नहीं मिलने किसी को, भावें जेडा भी मालदार हो। तुझे क्या मालूम तेरी आखिरी आरामगाह समुंदर की गहराई में हो, या किसी दरिंदे के मेदे में हो, या के ज़मीन के पेट में हो, की पता। मौत बरहक कफन में शक है। जिक्र किया करो, नमाज पांच वक्त पढ़ी करो, जिथे भी कोई नेक महफल हो, चंगी महफल, चंगियां दे संग रलियां मेरे जोड़ी फुल पए, बुरियां दे संग रलियां मेरे अगले भी डुल पए। पैड़ियां बंदियां कोल बवोगे तो बैड़ी मत आवे, चंगियां कोल बवोगे तो चंगी मत आवे। अल्लाह दी जात जो कुछ मैं गुजारिशां कीतियां ने, सब तो पहले अल्लाह मैनू भी इन्हां ते अमल दी तौफीक देवे, सानू सारयां नू अमल दी तौफीक देवे। खालिद मोहम्मद आरफ मसरूर होर फकीर रल के सानू इत्थे लियांदे रहिंदे ने, ये पता दोस्तों कि महफल होंगी हदीस नाल साबत है, हदीस नाल। जिस मुख्तलिफ लोकां इलाकियां दे लोग, मुख्तलिफ रंगो नसल दे लोग मेरी याद वास्ते बंदे ने, महफल जिक्र दी हो जाए उन्होंने मैं उतना चिर उठन नहीं दिंदा जितना दी बख्श ना देना। अल्लाह के वादे सच्चे ने, सच्चे ने, ते असां भी सियासी गुफ्तगू कोई नहीं कीती। ऐ अल्लाह तू जानना है, किसे फिरके दे खिलाफ नहीं बोले, साढ़े अपने आए बेतने हैं, किसे दे वेखण दी लोड़ ही कोई नहीं। नाले क्यों वेखी, किसे दे आइबां दी पुछ सानू होनी, सानू अपने आइबां दी पुछ होनी। अपना जुग्गा वसे कोई रोवे या कोई हसे, अपने आप नूं गुनाहां तों बचा, किसे दे ऐब ना उछालो, किसे दी पगड़ी ना उछालो। जिन्ना चंगियां मावां दुध पीते होंदे ने वह इंज ही करदे ने। मैनूं मालूम होंदा है जितने इत्थे बैठे हो इन्हां चंगियां मावां दुध पीते हो, तां ही इत्थे आए हो, तुहाडे नाल दे तुहाडे जिहे उत्थों मोड़ां ते खड़े ने टी वी वेखदे पए ने। खुश नसीब हो तुसी दोस्तो, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरग जालम मेशवद परहेजगार। कदी वह बुढ़ा वेख्या है जरा जुत्ती पावन लगता तो पैर होंगे इंजन जाते पकड़ के जुत्ती पानी पी, कदे वह बुढ़ा वेखे जिंदे खंगे खंघते खंघते दबूजूर नहीं रहा, पेशाब का कतरा चला जाता। बुढ़िया ये सारे वेख दौर जो तू हूँ वेंदा पे, उस दिन नू याद रखो, आज कमाई कर लो, ये वक्त नहीं आना। तिना चीज़ों तो पहले तिना चीज़ों की कदर कर लो, बुढ़ापे तो पहले पहले जवानी की कदर करो। जैसे बुढ़ा हो गयो फिर तो तेनों कदर पै जानी,
बीमारी तो पहले तंदुरुस्ती की कदर कर लो, फिर तो कदर पे जानी जैसे बीमार हो गए। मौत तो पहले जिंदगी की कदर कर लो, भावें बुढ़ा हो गया है, तौबा का दरवाजा तो खुला है ना। ते तौबा करन ते की करना पौंदा है, दिल विच ही कर लवे तौबा, वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा ही मेहरबान है, वो बड़ा ही मेहरबान। ये उनकी मेहरबानी है कि एडिया गंदियां नूं अपने घर च वड़न दिता। लुच्चे गंदे गलत बंदे नूं असीं अपने घर च वड़न दिंदे, जिन्हां नूं खुदा साफ करना आ ना, जिन्हां नूं धोना सो उन्हां नूं बुला लिया। असीं अपनी ताकत नाल तां नहीं आए, सानू तो सोच भी कोई ना, साढ़े नाल इलम वाले बाहर बैठे रहे, ज़्यादा दौलत वाले बाहर बैठे रहे, वो बड़िया बड़िया महफलां बैठे रहे, गरीब लोग मस्कीन लोग हछियां दिलां वाले जिन्हां नूं अल्लाह ने इत्थे बुला लिया। हुण आपां रल के दुआ मंगीए, या अल्लाह जितने भी बीमार हैं पूरी दुनिया विच उन्हां नूं सेहत काम लाता फरमा, खास करके कैंसर वाले फालज वाले या होर मोहलक मर्दा ने जिन्हां विच वो ना उम्मीद हो बैठे ने उन्हां नूं शफा दे। या अल्लाह जिहड़े बे औलाद ने उन्हां नूं नरीना औलाद अता फरमा, या इलाही जिन्हां दियां औलादां बेफरमान ने, मां बाप बुढ़ा हो गया है, ऐ अल्लाह उन्हां नूं उन्हां दे फरमा बरदार बना। या अल्लाह जिन्हां कोल बच्चियां हैं बच्चे कोई ने उन्हां नूं बच्चे भी अता फरमा, जिन्हां बच्चियां बच्चियां दे शादियां नहीं हो रही, या अल्लाह उन्हां वास्ते उन्हां नूं कोई अच्छे सबब बना दे। या अल्लाह अगों माह रमज़ान आ रहा है, या अल्लाह साडी जिंदगी विच लिया सानू उन दे विचों कुछ हासिल करन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे मेहमान महीने दी असी कदर कर सकीए, इज्जत कर सकीए। दोस्तों सखावत करनी तो दूर की बात है, जिहड़ा फितराना है वह ही पहले रोज़े दे छड़िया करो, ये याद रखना। तुसां जिहड़े कोई साडे चों मर जावे तो वक्री गल है, जिहड़े जीउंदे रहण ये गल याद रख्या है कि पहले रोज़े असां फितराना देना, कि गरीब लोग भी रोज़े रख लवन, बच्चियां कण कपड़े ले लवन, साढ़े नाल ईद मनावन। या अल्लाह टूटी फूटी महफल नूं या अल्लाह कबूल ते मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खलक़िहि।